हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपस्टॉक्स ट्रेडिंग एकेडमी। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मेरे कोई नए वीडियोस आएँ तो वो आपको मिलते रहें। अगर किसी को अपस्टॉक्स में अकाउंट खोलना है तो वो मेरे दिए गए लिंक से खोल सकते हैं। अगर वो मेरे लिंक से खोलते हैं तो मैं उनकी 24 आवर्स सपोर्ट करूँगा। जब भी वो चाहें तो मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जैसा भी हेल्प चाहिए वो बिल्कुल ले सकते हैं मेरे से। नेक्स्ट, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है बॉलिंगर बैंड, जिसको जॉन बॉलिंगर 1980s में बनाए थे। ये शॉर्ट टर्म प्राइजेस को डिटरमाइन करने के लिए बनाया गया था। अब बॉलिंगर बैंड कहाँ लगाते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बॉलिंगर लिखेंगे तो यहाँ बॉलिंगर बैंड जो सेकेंड नंबर पर है, ऑलरेडी जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसी पर रहन दीजिए, क्योंकि डिफॉल्ट बहुत अच्छा है। इसमें क्या क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। तो ये जो इसका जो बीच वाला प्राइस है, एक मिनट में इसको एरो ले लेता हूँ। तो ये जो बीच वाला जो लाइन है वो होता है आपका नंबर ऑफ प्री डिटरमाइंड प्राइस जो रहते हैं उनका जो एवरेज होता है, उससे हम लोग ये मूविंग एवरेज टाइप से ये बीच वाला बनता है। उसके वन स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर और वन स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे दो बैंड्स बनते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में ये जो है ये वॉलेट दो मेथड्स के लिए बनाया गया था आपका बॉलिंगर बैंड। पहला मेथड है उसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन देखने के लिए। तो ये देखिए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये जब एक्सपेंड हुआ, तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दिखाता क्या है, तो वो है वॉलेटिलिटी। अगर जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब एकदम पास पास आ जाते हैं सारे बैंड्स, तो इसका मतलब है कि अब इसके बाद जल्दी ही वॉलेटिलिटी आने वाला है। वॉलेटिलिटी मतलब एक्सपेंशन होने वाला है। अब प्राइस अपना मूवमेंट दिखाएगा, ओरिजिनल मूवमेंट किधर जाना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेंशन। और जब एक्सपेंशन होता है उसके कुछ देर बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये होता है बॉलिंगर बैंड। एक ये पहला मेथड हो गया वॉलेटिलिटी देखने के लिए था। सेकेंड जो होता है अपर बैंड और लोअर बैंड देखने के लिए। तो अपर बैंड क्या बताता है कि अब प्राइस मैक्स हो गया। जब अपर बैंड को प्राइस टच करता है तो वो मैक्स हो गया, उसके बाद वो नीचे आएगा। मतलब क्या बोल सकते हैं कि प्राइजेस जो है वो एक्सपेंसिव हैं। और वही नीचे वाला लोअर बैंड में अगर टच होता है तो बोल सकते हैं, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे नीचे में टच हुआ, तो इसको बोलेंगे कि अब ये कुछ ज्यादा ही नीचे चला गया है या ओवरसोल्ड हो गया है, ठीक है। ये इसको बोलेंगे ऊपर वाले को ओवरबॉट, इसको बोलेंगे ओवरसोल्ड। और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बॉलिंगर बैंड को सिर्फ इसी चीज के लिए बनाया गया था। लोग सोचते हैं कि सिर्फ बॉलिंगर बैंड यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो जो लोग ऐसा सोचते हैं वो बिल्कुल नहीं है। आपको बॉलिंगर बैंड के साथ कुछ और यूज करना चाहिए, करना ही पड़ेगा, चाहे वो RSI हो या MACD हो, या हो सकता है VWAP यूज करिए, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, या कुछ और उसमें मिक्स करके यूज करिए। अकेले बॉलिंगर बैंड से तो खुद बॉलिंगर बैंड भी बोलते, जो आप जॉन बॉलिंगर है वो खुद बोलते हैं कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। बाकी जो बॉलिंगर बैंड है वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग के लिए, इंटरडे ट्रेडिंग के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है। अगर अभी भी किसी को बॉलिंगर बैंड से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई क्वेरीज हैं, तो वो बिल्कुल मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। मैं उनके क्वेरीज को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए वीडियो को।